Hello everyone, good morning to all of you. आज हम इस लेक्चर में बात करते हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 3 और जो चैप्टर का नेम है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, जो हमारा चैप्टर वायरलेस कम्युनिकेशन है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में, वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने बात की थी, स्टार्टिंग में हमने बात की थी, ब्लूटूथ के बारे में भी बात की थी, उसके बाद वाईफाई डिवाइसेस के बारे में हमने बात की थी, उसके बाद वायरलेस टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी, तो इंफ्रारेड थी। तो आज हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की, जो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन है उनकी एडवांटेज क्या क्या है, क्या क्या उनकी खासियत है, उसके बारे में हम विशेषताएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ध्यान से देखें इस लेसन को, क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 3 वायरलेस कम्युनिकेशन, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की, वायरलेस कम्युनिकेशन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या उनकी खासियत है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखना है आपने और साथ में आपने इसको फेड कॉपी में भी उतारना है। तो फर्स्ट है जो हमारा कि वायरलेस कम्युनिकेशन की सबसे जो पहली विशेषता वो कौन सी है, कन्वे द इन्फॉर्मेशन क्विकली, बिल्कुल कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई जानकारी है उसको जल्दी से बतलाना, मीन्स जल्दी से उस इन्फॉर्मेशन को देना, ये सबसे पहला काम ये वायरलेस कम्युनिकेशन करता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी है आपने किसी को बांटनी है, शेयर करनी है, बतानी है, तो बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से उस कार्य को ये करता है। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड कौन सी है, डॉक्टर्स या वर्कर्स, ठीक है, चिकित्सक या वर्कर, अन्य कोई कार्य करने वाला कर्मचारी है या अदर प्रोफेशनल वर्कर या वर्किंग या कोई दूसरी प्रोफेशनल वर्किंग है, इन रिमोट एरिया कैन बी टच विद द मेडिकल सेंटर थ्रू द वायरलेस कम्युनिकेशन, कि वायरलेस कम्युनिकेशन की सहायता से वो अपने मेडिकल सेंटर के साथ टच में रह सकते हैं। कोई दूर दराज है, मान लीजिए कोई ऐसा सेंटर है, कोई ऐसी लैब है जो दूर दराज स्थापित की गई है, कि वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू वो उससे टच में रह सकते हैं, उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसके बाद में है ये थर्ड है जो हमारा, अर्जेंट सिचुएशन कैन बी अलर्टेड थ्रू द वायरलेस कम्युनिकेशन, कि अर्जेंट सिचुएशन में कोई आपत्ति आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, अर्जेंट सिचुएशन में मैसेज अलर्ट कर सकता है, मैसेज सेंड करना या अलर्ट मैसेज हम वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू अलर्ट कर सकते हैं, किसी को कोई मैसेज आपने देना है, तो ये किसके थ्रू ज्यादा पॉसिबल है, वायरलेस कम्युनिकेशन की सहायता से। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फोर्थ है जो हमारा, वायरलेस नेटवर्क आर चीपर टू इंस्टॉल और मेंटेन, कि जो हमारा वायरलेस नेटवर्क है उसको वो भी चीपर मीन्स सस्ता इंस्टॉल, उसको इंस्टॉल करना आसान है, बिल्कुल मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो वायरलेस नेटवर्क है हमारा बहुत ही चीप और इंस्टॉल टू मेंटेन, उनको मेंटेन रखना बिल्कुल आसान है, चीपर है, सस्ता है। तो हमारा जो वायरलेस नेटवर्क की हमने एडवांटेज के बारे में हमने बात की है, तो ध्यान से देखें, कन्वे द इन्फॉर्मेशन क्विकली, कि कोई जानकारी है बहुत जल्दी से पहुंचानी है, हम उसी टाइम भी उसको भेज सकते हैं, डॉक्टर वर्कर्स एंड अदर प्रोफेशनल वर्किंग इन रिमोट एरिया कैन बी थ्रू द मेडिकल सेंटर थ्रू द वायरलेस कम्युनिकेशन की सहायता से, दूर दराज कोई डॉक्टर है वो अपनी लैब या उससे टच में रह सकता है सेंटर से। और यहाँ पे क्या है लास्ट में, अर्जेंट सिचुएशन कैन बी अलर्टेड थ्रू द वायरलेस कम्युनिकेशन, कि अर्जेंट सिचुएशन के अंदर आप कोई भी अलर्टेड मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा, वायरलेस नेटवर्क आर चीपर टू इंस्टॉल और मेंटेन, कि जो वायरलेस नेटवर्क को मेंटेन रखना, उसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, चीपर है। तो हमने आज हमने बात की है नेटवर्किंग एडवांटेज के बारे में अभी।
तो आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अभी हमने प्रीवियस स्क्रीन पे हमने बात की थी एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग कौन कौन सी है हमारी, या एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कौन कौन सी है। अब विशेषताएं के बाद उसकी खामियां कौन कौन सी हैं कि नेटवर्किंग के अंदर जो आपको हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो कौन सी है। तो आगे क्या है डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, तो वायरलेस नेटवर्क हैज लैक ऑफ मैनी सिक्योरिटी थ्रेड। जो हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी थ्रेड होते हैं जो हमें हमारा जो डाटा है वो लॉस होने का खतरा हमें बना रहता है। उसमें हमें बहुत कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बहुत सी सिक्योरिटी थ्रेड कौन कौन से हैं, इट इज वेरी इजी फॉर द हैकर्स, जो बहुत आसान है हैकर्स के द्वारा टू ग्रब द वायरलेस सिग्नल दैट एयर स्प्रेड इन द एयर, कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है या हमारे जो वायरलेस सिग्नल हैं जो हवा के अंदर फैले हुए हैं स्प्रेड किए हुए हैं उसको छीनना बिल्कुल आसान है वो हैकर्स के लिए। ठीक है, तो हमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ही आवश्यक है टू सिक्योर द वायरलेस नेटवर्क, कि आप अपने नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर रखें, सुरक्षित उसको रखें। सो दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी असेस्ड बाय द अनऑथोराइज यूजर, कि जो आपकी जानकारी है या आपकी कोई इंफॉर्मेशन है उसको कोई भी अनऑथोराइज पर्सन, कोई भी अनजान व्यक्ति उसको एक्सेस ना कर पाए, उस तक ना पहुंच पाए। तो हमें सिक्योरिटी हमारी जो वायरलेस नेटवर्क होता है कि उसकी डिसएडवांटेज है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें यही फेस करनी पड़ती है कि हैकर्स है जो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हैक ना कर पाए। हम अपने नेटवर्क को किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं ये आपने ध्यान में रखना होता है, कि आप कोई भी अनऑथोराइज पर्सन है, कोई भी अनजान व्यक्ति है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को ना हमसे छीन पाए। तो हमें केवल एक ही यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वायरलेस नेटवर्क के अंदर, कि जो हैकर्स होते हैं वो हम आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, इसका खतरा हमें लगातार बना रहता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपके नेटवर्क को सिक्योर रख सकते हैं। हमें बार बार पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, मल्टी पासवर्ड आप यूज करते हैं ताकि इसको इजीली कोई भी हैक ना कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे और लर्न और आल्सो राइट ऑन योर फेयर कॉपी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।